हैदराबाद हल्का एन 226 के उम्मीदवार जमशेद शेख की काविशों से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें लतीफाबाद के पांचों सब डिवीजन के SDOs और XCN ने सार्फिन के मसाइल पर फौरी नोटिस लेकर उन्हें हल किया और सार्फिन की आसानी के लिए बिलों की भरपाई के लिए आसान इकसात भी बनाकर दी, जबकि SDO ने बिजली चोरी रोकने के लिए आवाम से तआवुन की अपील की। हम आज खुली कचहरी CO साहब की हिदायत पे हमने खुली कचहरी लगाई पब्लिक की शिकायत पे, किन का डिटेक्शन है, किसके ट्रांसफॉर्मर का डैमेज का मसला है, किसी और कोई इशू है। तो हमने अभी सबसे पहले इनको ट्रांसफॉर्मर डैमेज और कुंडल सिस्टम के लिए हमने सबके उन्होंने कहा है ट्रांसफॉर्मर कमेटी बनाए, ट्रांसफॉर्मर की कमेटी, मोला कमेटी जैसे होता है, ताकि कमेटी बन जाए, हम उसके कुंडे उसकी ट्रांसफॉर्मर की सफाई करें। उसका कुंडा लगाता है कोई कुंडा, क्यों वो पाड़े हमारा बंदा, वो अपडा वाला 24 घंटे वहाँ नहीं बैठेगा, कोई कुंडा लगाता है पॉइंट आउट करे, FIR मैं कराऊंगा विटनेस वो लोगों, ताकि उस पर FIR हो, एक बंदे पे एक ट्रांसफॉर्मर FIR हो गया ना, तो इंशाल्लाह कुंडा माफिया ख़त्म हो जाएगी और लोग प्राइवेट लोग जो कुंडा चला रहे हैं उनका भी नाम बताएं, ताकि हम FIR कराएं और FIR करा के लोगों को गिरफ्तार कराएं और रिकवरी के लोग हमारी मदद करें, रिकवरी करें, बिल जमा कराएं। ज़्यादातर हम देखते हैं लोगों को बिल आता है 12 महीने 6 महीने जमा नहीं होता है, लोग कहते हैं करंट बिल की किस्त कर दो, करंट बिल की किस्त हम कर ही नहीं सकते, हम तो किस्त होती है बकायाद की, जो बकाया अमाउंट होता है उसकी किस्त होती है, करंट तो देना ही देना है। 5 लाख का बिल बोलो इसकी किस्त कर दो, करंट बिल है 7,000 का उसकी किस्त कर दो, 7,000 की किस्त कर दो, अरे भाई 5 लाख रुपये बकाया तो वो कहाँ जाएंगे। तो लिहाजा हम लोगों के अंदर ज़्यादा रिकवरी करें और 100% पेमेंट करें, ताकि कोई एक ट्रांसफॉर्म मेरे को दिखा दे चल के जो 100% पेमेंट हो, कोई बकाया नहीं हो, हर ट्रांसफॉर्म पे 300 कनेक्शन है तो तकरीबन 299 कनेक्शन पे बकाया होंगे, 1% या 2% जो बिल क्लियर हैं वो ना बिल क्लियर नहीं होते, लोग बिल जमा नहीं कराते, कुंडा माफिया तकरीबन जिसका मीटर चेक करते हैं कोई ना कोई गड़बड़ निकलती है। हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं मेहरबानी करके हमारी मदद करें, हमारी डिपार्टमेंट की सपोर्ट करें और जो ये हैं काड़ी बैठे हैं हमारे बंदे भी हैं उनके पॉइंट आउट करें, उसकी हम FIR कराएंगे, नौकरी निकालेंगे। हम दिन रात चल रहे हैं, परेशान हैं, हमारे अफसरान परेशान हैं, हमारे SC साहब परेशान हैं, XC साहब परेशान हैं, CO साहब नए आए वो भी लोगों कहते हैं लोगों बिजलियाँ दो। अभी कुछ दिन लोड शेडिंग कम हुई थी तो यूनिट ज़्यादा जले, जो 6 घंटे लोड शेडिंग नहीं है उसके बिल लोग नहीं जमा करते हैं, 12 घंटे लोड शेडिंग लिफ्ट हो जाए तो उसका बिल लोग जमा नहीं कराएंगे, यूनिट की 12 घंटे 6 घंटे लाइट नहीं आ रही है, 6 घंटे और मिल जाएगी, जो 18 घंटे की बिजली है या 15 घंटे की बिजली वही लोग करंट बिल जमा कराने तैयार नहीं है, लोड शेडिंग 24 घंटे बिजली होगी तो वो उसमें पेमेंट करने तैयार ही नहीं हुए लोग। लोगों के साथ भी मसले मसाइल हैं, पर हमारे साथ भी बड़ा मसला है, इंशाल्लाह हमारी मदद करें और आपकी मीडिया की भी मेहरबानी होगी, हमारे आप हमारे को बना के कवरेज बना के दें, लोगों को पॉइंट आउट करें जो गलत काम करें, हमारा बंदा हो उसके भी पॉइंट आउट करें। दूसरी जानिब कचहरी के मुंतजिम जमशेद अली शेख और सार्फिन ने मसाइल के हवाले से कहा कि देखें ESCO के मसले मसाइल आज के नहीं है, ESCO के मसले मसाइल दरीना मसले मसाइल हैं ये, और हम चाहते हैं कि ये मसले मसाइल अब हल होने चाहिए, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का भी यही अज़म है कि इदारे अब ठीक हों, इदारे जो हैं वो आवाम के ताबे हों, कानून के ताबे हों, उसके लिए एकदम उठाया है। ये काफ़ी टाइम से हम शिकायत कर रहे थे, वफाक में हमारी सारी कंप्लेंट जारी थी, आवाम के जितने भी इशूज़ हैं खासकर डिडक्शन के इशूज़ सबसे ज़्यादा हैं, ट्रांसफार्मर के मसले, ये सारे वफाक में हम भेज रहे थे, हफ्तन हफ्तन जा रहे थे मसले, लेकिन ये है कि अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह, ये कि ये पहला कदम है, ये शुरुआत है, ये कोई हल नहीं है लेकिन ये शुरुआत हुई है, अब हल की तरफ निकल रहे हैं हम इंशाल्लाह, आप देखेंगे मज़ीद बेहतरी की तरफ हम जाएंगे, और जो काम नहीं करेगा ईमानदारी से काम नहीं करेगा, आवाम को तंग करेगा वो अब चाहे कोई ESCO क्या किसी भी इदारे में वो नहीं रह सकता। वो कचहरी में सैकड़ों अफराद ने अपनी शिकायत का इंदराज कराया और मेरा मसाइल ये है कि लाइट आ नहीं रही है, बिल मेरे जबा के आ रहे हैं, हर महीने में 10,000 रुपये का बिल भर रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास लाइट नहीं आ रही, लाइट आती है तो फिर जो है ना वो वोल्टेज पूरे नहीं आते, उसकी वजह से हमारे पंखे चल रहे हैं, और फिर ये आके हमें ऑफर देते हैं कि भाई आप 2,000 रुपये महीना हमें दो, आपका बिल नहीं आएगा, आपके ये पैसे नहीं लगेंगे, आप जो है ना बेकार परेशान हो रहे हो, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपको परेशान करते रहेंगे। हर हाल में इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे छोड़े हुए हैं प्राइवेट जो कि आते हैं घरों पे और जो है ना डीलिंग करते हैं।
अभी परसों की बात है, एक गरीब आदमी को नाजायज 4 घंटे बंद रखा, नाजायज, ना उसका वास्ता था ना कुछ था, सिर्फ वो बोल पड़ा बस, बोला बोला कैसे कि अगर इमरान खान ने इन लोगों को सुधार दिया तो नीचे की पब्लिक करोड़ों लोग इन्हें दुआएं देंगे। इतने परेशान हो गए, 24 घंटे लाइट नहीं होती, 26,000 का 30-30, देखो मैं 26,000 रुपये का बिल भर के आया हूँ, अभी 26,000-30,000 रुपये का बिल भरते हैं। चोरी कोई नहीं कर सकता जब तक ये खुद मुलवस्त ना हो, ये खुद नहीं चाहें, इनके आदमी अपने नहीं हो तो चोरी कोई नहीं कर सकता, हर एक आदमी इनका मिला हुआ होता है तो वहाँ चोरी होती है, ये अगर सही हो तो एक 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 यूनिट भी कोई आदमी चोरी। इस मौके पर लेडीज विंग के सदर सबाहत अफरोज, जनरल सेक्रेटरी सबीन खान, शकील खत्री, मोहम्मद वसीम समेत दीगर भी मौजूद थे।